काली है। अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम है मोहम्मद असद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों अभी तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और करते हैं आज की वीडियो शुरू। अच्छा यार, ये गन्ने की लोडिंग हो रही है, 48 वैरायटी है और मैसी फर्गुसन 375 मॉडल है जी, 94 मॉडल है, परकन है, परकन 94 मॉडल है। इस पर गन्ने की लोडिंग हो रही है, ये काली वैरायटी है आज। ये भी बहुत सारा गन्ना पड़ा भी है, इन्होंने लोड करना है। ये ना तारे लगा के रैंप पर एक लगा रहे हैं फेरा ताकि वो रैंप ठीक हो जाए, बाद में जब निकालें तो मुश्किल ना हो कोई। चलें तारे लगा लें ये और निकालते हैं तो आपको इसकी परफॉर्मेंस चेक करवाते हैं। बाकी जिसने दोस्त ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें यार, सब्सक्राइब करें, फिर देखते हैं कि क्या होता है इसका। अच्छा जी, सलाब लग चुका है और रैंप चल रहे हैं आगे। एक मुश्किल स्टंट वाली जगह है जहाँ पे इनमें ऊपर की तरफ गाड़ी चढ़ानी है, वहाँ से आपको दिखाते हैं कि क्या करता है ये 94 मॉडल। गन्ना अभी बहुत पड़ा है यार, गन्ना इन्होंने लोड करना है तो आपको वो भी दिखाएंगे इंशाल्लाह अगर हम यहाँ पे हुए तो। गन्ना ये वज़नदार लग रहा है और आप सबने बताना है कि ये गन्ना कितना हो जाएगा। ये जी रैंप की कंडीशन है, रैंप इनका नया है, इन्होंने नया रैंप बनाया है। बाकी यहाँ से निकालेंगे तो आपको इसकी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। रैंप इनका ये है जी, मेरे ख्याल में यहीं पर रुक जाएगा। नहीं नहीं बल्कि निकल गए यार, माशाल्लाह माशाल्लाह, 94 मॉडल ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई यार। अच्छा उस्ताद जी ने ना एक टायर बिल्कुल ट्राली का नीचे उतार दिया है, आपको चलते हैं और दिखाते हैं। ये देखें जी, ये वहाँ पे रिवर्स करने गए हैं जी। फिर ये ना आपको पहले बताया रैंप लगाने आए थे, रैंप का ना फेरा लगाने आए थे वो, अब वो आ रहे हैं तो फिर से चलेंगे और लोडिंग करेंगे दोबारा। तो वहाँ से रिवर्स कर लिया, ये देख लें। बाकी यहाँ से उस्ताद जी ने गफलत की है थोड़ी सी और यहाँ पे कुछ भी हो सकता था, लेकिन अब जिस जगह पे टायर है ना उस वक्त भी इसी जगह पे होने चाहिए थे टायर। ये अब जहाँ पे टायर लेके आए ना, डीजल डीजल लीक हो रहा है, ब्रेक नहीं कहने। हम कह रहे थे कि ये क्या पता नहीं लीकिंग हो गई है, तो उस्ताद जी ने बताया है कि ये वो ना ये जो है ना स्टेयरिंग की प्रेशर टी वो लीक है थोड़ी सी, उससे पै रहा है ये। लो जी ट्राली फेरा सेरा लगा लिया, ट्राली सीधी करके फिर उसी जगह पे लगा दी और लोडिंग जारी करेंगे फिर से दोबारा से।
अच्छा यार, इनका गन्ना भी थोड़ा सा ना आगे की तरफ ना खिसक गया है, और ये रिस्की मामला है थोड़ा सा। और ट्राली भी बराबर कर दिया इन्होंने। अच्छा जी, माशाल्लाह लोडिंग मुकम्मल हो गई है और तारों की खिंचाई करते हैं, तो निकालते हैं बाहर, दिखाते हैं फिर आपको इसकी परफॉर्मेंस। बाकी रैम का आपको दिखाया है, जिस जगह से निकालनी है वो भी आपको दिखाई है, निकालते हैं तो आपको दिखाते हैं। मुकम्मल और बिस्मिल्लाह सलब लगा दिया है जी, निकालते हैं और आपको दिखाते हैं परफॉर्मेंस, देखते हैं कि अकेला निकालते हैं कि नहीं। 94 मॉडल है जी। अच्छा यार, आप सबने कमेंट्स में बताना है कि ये गन्ना कितना हो जाएगा, आप सबने बताना है कमेंट्स में, लाजमी बताएं। आज मैं नहीं बताता इस गन्ने का, आज आप सबने बताना है कि ये गन्ना कितना हो जाएगा। मुझे उम्मीद थी इस रैंप से अकेले नहीं निकलेगा, और वही हुआ है, अकेले नहीं जा रहा, दूसरा ट्रैक्टर लेके आना पड़ेगा बम्पर वाला, फिर जाके ये निकलेगी यहाँ से। देखते हैं कि अब ये क्या करते हैं इसका, बस अब रोक दिया है, अब ट्रैक्टर आएगा तभी निकालेंगे। गन्ना जी इसका सारा बराबर कर दिया, आगे गन्ना वजन है नहीं टायरों पर, और बाकी परफॉर्मेंस आपके सामने थी। अब आएगा बम्पर वाला ट्रैक्टर तभी निकलेगी, अकेले इसके पास की बात नहीं। वाली गाड़ी आ गई है जी, 385 मैसे फर्गुसन 385 आ गया है। अब ये लगाएगा पीछे बम्पर और इंशाल्लाह अब ये इसे निकाल लेंगे। अच्छा ये भी परकन है, पता नहीं कौन सा मॉडल है, ये भी परकन, आप लोग गैस लगाएं कि ये कौन सा मॉडल है परकन। जिसको बताओ वो बताए कमेंट्स में कि ये कौन सा मॉडल है परकन का। पीछे वाले ने अभी बम्पर सीधा करके लगाया नहीं, आगे वाले भाई जल्दी जल्दी में चल पड़े। चले आप देखते हैं आप क्या होता है इस जगह पे। अब नहीं रुकने देंगे इंशाल्लाह। निकल चुकी है और उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।